महिला अपराध पर अंकुश लगाने और सुरक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है और इसी क्रम में चारों एसपी के क्षेत्रों में एक एक पिंक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खुलेगी, जहां महिलाओं से संबंधित अपराध की शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही महिला थाने में दर्ज केसों की विवेचना भी की जाएगी। इन चौकियों पर महिला पुलिसकर्मी ही तैनात होंगे। इस विषय पर न्यूज अब भारत के संवाददाता से हुई विशेष वार्ता में कानपुर आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करते हुए बताया कि अभी महिलाओं के लिए हर जनपद में महिला थाने हैं और यह महिला थाने अधिकांश रूप से शहरों में ही बने हुए हैं और इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी क्रम में आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया, देखिए अभी महिलाओं के लिए हर जनपद में एक महिला थाना है। ये महिला थाना अधिकांश जगह शहर में है। इसकी वजह से जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं वो अपनी समस्या को बताने के लिए शहर तक नहीं आ पाती हैं और अगर आती हैं तो उनको बहुत अधिक दिक्कत होती है, खर्चा भी करना पड़ता है और उनको आने के साधन भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्रामीण अंचलों में भी महिला चौकियां खोली जाएंगी और ये महिला चौकी महिलाओं की समस्याएं वो अपनी आवाज़ को जो है पुलिस तक आसानी से पहुंचा सकें, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। कानपुर नगर में इस तरह की चार चौकियां स्थापित की जा रही हैं। ग्रामीण अंचल में थाना सजेती में ये चौकी बन रही है। इसके अलावा तीन एडिशनल एसपी और हैं यहाँ पर, उनके अधीन भी एक एक चौकी की स्थापना हो रही है। तो इस प्रकार से महिलाओं को अपनी बात कहने के लिए कानपुर नगर में चार महिला चौकी और एक थाना महिला हो जाएगा। इसके अलावा हर थाने पे महिला डेस्क ऑलरेडी बनी हुई है। तो सरकार का और शासन का पूरा उद्देश्य यह है कि महिलाओं को अपनी समस्या बताने के लिए अत्यधिक दूर न जाना पड़े, चक्कर न काटने पड़े और उनको सुलभ तरीके से न्याय मिल सके। कानपुर से अजय पत्रकार के साथ निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।